नमस्कार, नई दिशाएं में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा सोनिया। कवि जॉर्ज हर्बर्टर ने अपनी कविता के माध्यम से क्या खूब कहा है, तूफानों से पेड़ों को गहरी जड़ें जमाने की प्रेरणा मिलती है। इंतजार मत कीजिए अच्छे समय के आने का, जहां खड़े हैं वहीं से शुरुआत कीजिए। भले ही संसाधन हो ना हो, जब शुरुआत कर लेंगे तो अच्छे से अच्छे संसाधन अपने आप मिलते चले जाएंगे। जी हाँ, ऐसा ही कुछ कर दिखाया है मध्य प्रदेश के भोपाल में जन्मे पले बड़े फ्रेडरिक बुरबॉन ने। बचपन से ही इनका रुझान सभी प्रकार की फिल्मों की ओर रहा। वे उन सभी फिल्मों का बारीकी से अध्ययन भी करते रहे। BSSS कॉलेज से ग्रेजुएशन करते करते उन्होंने भोपाल के ही क्रिस्प संस्थान से फोटोग्राफी एवं फिल्म एडिटिंग का शॉर्ट टर्म कोर्स भी कर लिया। कई लघु फिल्में बनाई, उनका डायरेक्शन किया और एक दिन उनका चयन हो गया अमेरिका की प्रतिष्ठित चैपमैन यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में। यहां से फ्रेडरिक बुरबॉन ने फिल्म मेकिंग में MFA किया और उनका स्पेशलाइजेशन रहा सिनेमेटोग्राफी में। पिछले 5 वर्षों से अमेरिका के हॉलीवुड में फिल्मों के लिए कार्य करते हुए फ्रेडरिक बुरबॉन जी ने फिल्मों के पोस्ट प्रोडक्शन में भी महारत हासिल कर ली है। नई दिशाएं की आज की कड़ी में हम बात करेंगे फिल्म निर्माण में उपयुक्त 2 नए कौशल, सिनेमेटोग्राफी और पोस्ट प्रोडक्शन ट्रेड्स के बारे में। और आप ये सब जानेंगे अमेरिका के हॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री में कार्य कर रहे फ्रेडरिक बुरबॉन जी से ही। हाय, मैं फ्रेडरिक बुरबॉन हूँ और मैं हॉलीवुड में 5 साल से एज ए फ्रीलांस सिनेमेटोग्राफर काम कर रहा हूँ। पोस्ट प्रोडक्शन के क्षेत्र में मैं कलर और कन्फर्म भी करता हूँ, जिसको DI कहते हैं। आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि सिनेमेटोग्राफी क्या होती है और एक सिनेमेटोग्राफर का क्या रोल होता है। फिल्म सेट पर कैमरे के पीछे जो कैमरा मैन आता है उसको सिनेमेटोग्राफर कहते हैं। सिनेमेटोग्राफर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो स्क्रिप्ट को विजुअलाइज करे, स्टोरी को विजुअलाइज करे और उसको चित्रों में रिप्रेजेंट करे। लाइटिंग भी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, कैमरा कहाँ प्लेस होगा, कैमरा कैसा मूव होगा, कैसी लाइटिंग होगी, ये सारा काम सिनेमेटोग्राफर के बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है करना। इसको चलचित्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इमेजेस, जैसे आप एक फोटोग्राफ लेते हैं एक इमेज में, सिनेमेटोग्राफी में वही इमेज मल्टीपल इमेजेस होती है और उसको मोशन में चलाते हैं, उसको चलचित्र कहते हैं या सिनेमेटोग्राफी कहते हैं। ये सबसे पहले तो सिनेमेटोग्राफर को एक आर्टिस्ट है। हर एक डिफरेंट सिनेमेटोग्राफर या फोटोग्राफर इसलिए एम्प्लॉय होता है या इसलिए उसको काम मिलता है क्योंकि वो यूनिक है, उनका एक यूनिक विजन है, एक वो अलग, आप एक अलग तरीके से एक इमेज को कैद करोगे, मैं एक अलग तरीके से इमेज को कैद करूँगा। ये यूनिकनेस आपको एम्प्लॉय करेगी कि भाई हमें फलाना फलाना को इसलिए एम्प्लॉय करना है क्योंकि हमें उसके फोटोग्राफ्स अच्छे लगे या हम उसकी वीडियो अच्छा लगा या हमें उसकी फिल्म अच्छी लगी। तो हर जो भी एम्प्लॉयमेंट का होता है या फिर आप बड़े एड्स करते हो या बड़े कमर्शियल करते हो तो भाई हमें इस फलाना फला आदमी को हमें करना है क्योंकि उसने ये कमर्शियल किया था जो उसका हमें उसको उसका कंपोजिशन उसका लाइटिंग हमें बहुत अच्छी लगी। तो सबसे पहली चीज़ तो अगर आप सिनेमेटोग्राफर बनना चाहते हो तो आपको एक एक जाके इमेजेस खींचो, जाके आप पिक्चरें देखो और आप और ये आप अपने आप से पूछो कि मैं ये कैसे करूँगा, इसलिए उससे आपके अपने खुद एक क्रिएटिव विजन, एक यूनिक विजन प्रिपेयर करोगे। दूसरी चीज़ ये है कि आप कैमरे के बारे में जानो, कैमरे टेक्नोलॉजी के बारे में जानो। आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि आप अपना आईफोन लोगे या एंड्रॉयड फ़ोन लोगे वो 1080 शूट करता है जो कि HD है, जो कि सिनेमा रेजोल्यूशन है। अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप और इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल फ्री है, आप गूगल पे जा सकते हो, कहीं भी आप जा सकते हो इंटरनेट पे और आप पता कर सकते हो कि सिनेमा का जो टेक्नोलॉजी है क्या वो अब आ गई है इतना कि हम अपने कैमरे में या आईफोन में या फ़ोन पे कैद कर सकें। तो टेक्नोलॉजी का ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है और इससे आपको एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगी क्योंकि जब आपको एम्प्लॉयर को ये दिखेगा कि आपको टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम है, कैमरा के बारे में मालूम है, वो ज़्यादा और कंफर्टेबल होंगे आपके प्रोजेक्ट पे आने का। और लाइटिंग मालूम होना चाहिए। लाइटिंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होती है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन अगर आप अपने नेचुरल सराउंडिंग्स पर आके नेचुरल फोटोग्राफी करेंगे जिसमें आप कोई आर्टिफिशियल लाइट ना लगाएं, सीधे जाके बाहर जो सन की जो लाइट है उससे आप थोड़ी फोटोग्राफी करने लगे, उससे आपको खुद पता चलने लगेगा कि लाइट कैसे मूव होती है और उसी लाइट को, नेचुरल लाइट को रेप्लिकेट कैसे करते हैं
वही बेसिकली पूरा जो गणित है लाइट का, बस वो है कि नेचुरल लाइट को कैसे रेप्लिकेट करते हैं, और अगर आपको कुछ ब्यूटी लाइटिंग करनी है तो और कैसे लाइट को डिफ्यूज़ करें, कैसे लाइट को मूव करें। ये चीज़ एक बार आप करना शुरू करेंगे तो कुछ महीने में या एक साल में या कुछ टाइम पर, डिपेंड करता है कि किसका क्या स्किल लेवल है, और आपको जल्दी से पता चल जाएगा। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको अपने आप को ज़्यादा एम्प्लॉयबल बनाना है तो आपकी क्रिएटिव विजन, आपकी यूनिक विजन कि हम आपको क्यों हायर कर रहे हैं और किसी दूसरे सिनेमाटोग्राफर को नहीं हायर कर रहे हैं, वो आपके इमेजेस में होना चाहिए या आपके वीडियो में होना चाहिए। ऐसा कुछ हमें स्ट्राइकिंग लगे, ऐसा यूनिक लगे कि भाई ये स्टोरी थी और इस स्टोरी में इस सिनेमाटोग्राफर ने ये इमेजेस यूज़ करें, जो हमें इतने प्रभावित लगे कि हम इस सिनेमाटोग्राफर के साथ जाएंगे, और वो चीज़ सबसे बड़ी है आपको आगे एम्प्लॉयमेंट देने की। तीसरी चीज़ ये है कि आप थोड़ा पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में जाने। एक बार आपने इमेज कैप्चर कर ली है, उसको कलर कैसे करते हैं, उसको एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, उसको मॉडिफाई कैसे करते हैं, उसको और कैसे अच्छा बनाएं, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इससे क्या होता है, आपको खुद एक तो एज अ सिनेमाटोग्राफर लगता है कि भाई मैंने जो इमेज कैप्चर किया है कैमरा से लेकर कलरिंग तक, वो बिल्कुल मेरे लाइकिंग पर है या जैसा मैं चाहता हूँ वैसा है। तो ये तीन चीज़ें आपको, पहले एक तो यूनिक विजन होना चाहिए आपके पास, दूसरा आप टेक्नोलॉजी को जानें, और तीसरा आप कलरिंग कैसे करते हैं उस इमेज का, वो समझें, उस टेक्नोलॉजी को समझें। एक सिनेमाटोग्राफर की शुरुआती सैलरी मैं ये कहूँगा डिपेंड करता है कि फिल्म का बजट कितना है। अगर फिल्म का ज़्यादा बड़ा बजट है तो उसके हिसाब से सैलरी बदल सकती है, लेकिन यूजली आई थिंक 25 से 30 हज़ार दिन का सिनेमाटोग्राफर की सैलरी होती है। लेकिन अगर आप नए हो और आप अपना नया करियर ला रहे हो तो ये सब चीज़ आपको ज़्यादा देखनी नहीं चाहिए, उसको ये भी देखना चाहिए कि प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। अगर छोटा प्रोजेक्ट है जो जिसका ज़्यादा बजट नहीं है लेकिन स्टोरी बहुत अच्छी है, आपका काम बहुत अच्छा है, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप वो काम अच्छा करो। क्योंकि अगर आप अच्छा काम करते रहोगे तो आपका पोर्टफोलियो और अच्छा बेहतरीन बनता जाएगा। इससे क्या होगा कि आगे चल के आपको वो बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा। तो हमेशा ये नहीं देखना चाहिए अगर आप नए इंडस्ट्री में आ रहे हो कि भाई मुझे कितनी बड़ी सैलरी मिल रही है, मैं उतने ही पे जाऊँगा। कभी कभी बड़ी पिक्चरें काम नहीं करती और छोटी पिक्चरें काम करती हैं, लेकिन फिर आपको उसका नाम अटैच हो जाएगा। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप स्टोरी पे जाएं, और ऐसे ही आपने करते करे आपका काम अच्छा होता रहा तो एक दिन आपको आगे जाके बड़ी फिल्म मिलेगी। ये एक हॉरर फिल्म मैंने करी थी, शुरुआत जो उसका शॉर्ट था। सो ये रील बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये रील एक पोर्टफोलियो जैसे काम करता है आपके लिए। आप दो लोगों को दिखाते हो कि आपका क्या काम है, और आपका अलग अलग टाइप के काम है। मैंने इसमें शॉर्ट फिल्म्स किए हैं, म्यूज़िक वीडियोस किए हैं, डॉक्यूमेंट्रीज किए हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, फिल्म फॉर्मेट है, डिजिटल फॉर्मेट है, और मैंने अलग अलग कैमरों से शूट किया है, जैसे ये एक डॉली शॉट, मीडियम शॉट। ये सारे जो मेरे चॉइसेस हैं वो डायरेक्टर से बात करने के बाद या उनसे डिस्कस करने के बाद कि हम क्या इस स्क्रिप्ट में, हम इस पॉइंट पर हमें कैसे शूट करना है, क्या लाइटिंग होनी है, ये बहुत मायने और बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। जैसे ये क्रेन शॉट हमने किया हमारे फिल्म के क्लाइमैक्स पर, डॉली शॉट किया स्टडी कैम पर, ये एक्सट्रीम क्लोजअप, ये हमने एक ट्रेलर लगाया था, ये हमने डॉली इन किया, ये मैंने एक म्यूज़िक वीडियो शूट किया था। सो ये सारे जो एंसेंबल हैं शॉट्स के, आप देख रहे हैं कितने अलग अलग प्रकार के शॉट हैं, कहीं जूम है, कहीं डॉली है, ब्यूटी लाइटिंग है, ये सारी चीज़ें मैंने शूट करी हैं। और ये चीज़ अब आप क्या, ये जैसे मैं कि मैंने पहले बताया कि आपको बस एक कैमरा होना है, आपका भला आईफोन भी हो, आप जाके बस शूट करिए। इससे क्या है, आप अपने आप को सेल्फ जो बोलते हैं टीच करेंगे कि भाई विजुअल लैंग्वेज क्या होती है, वाइड शॉट, ये वाइड शॉट क्या होता है, ये टू शॉट क्या होता है, ये जूम आउट हम जो कर रहे हैं स्टडी कैम से ये क्या होता है, ये क्यों है इस टाइम पर इस मूवी में। तो ये सब चीज़ें जब आप अपने विजुअल लाइब्रेरी बनाएंगे, विजुअल वोकैबुलरी आप बनाएंगे अपने, तो ये आप अपने आप को खुद सिखाते रहेंगे कि सिनेमाटोग्राफी क्या होती है और क्या किस टाइम पर स्क्रिप्ट में कौन सा शॉट चाहिए। ये मैंने डच एंगल क्यों किया है कि कैरेक्टर गिर गया है, ये मुझे कैरेक्टर का चेहरा नहीं दिखाना है। तो ये सब जो डिसीजंस हैं ये डायरेक्टर से बात करने के बाद, फिल्म की स्क्रिप्ट करने के बाद आता है।
ये शॉट ऐसा क्यों है, ये अकेला क्यों बैठा हुआ है, अकेला इसलिए बैठा हुआ है कि शायद इसके इसकी गर्लफ्रेंड है उसको छोड़ के चला गई है, तो ये उदास है, इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी कॉन्ट्रास्ट लाइटिंग है, सिर्फ एक लाइट है। सो ये हम सिनेमाटोग्राफी में कैसे दिखाते हैं, मैंने क्लोजअप नहीं लिया, मैंने वाइट शॉट से ही ये बता दिया कि कोई इसको छोड़ के चला गया है बिना कोई डायलॉग के। तो यही चीज़ें आप छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है कि कैसे काम करते हैं, क्या क्या स्क्रिप्ट क्या बोल रही है, कैरेक्टर क्या बोल रहा है, और उसके हिसाब से आप अपने कैमरा का डिसीजन, लेंस का डिसीजन, लाइटिंग का डिसीजन रखते हैं। सो ये मेरा सिनेमाटोग्राफी रील थी, बहुत छोटी सी रील है, हमेशा मैं अपडेट करता रहता हूँ जब भी कोई मैं नया काम करता हूँ तो, और उस रील को मैं अपना पोर्टफोलियो जैसे अपने लोगों को भेजता हूँ और हाँ उससे अपना नाम आगे करता हूँ। सो आप भी अब जब आप शूट करें तो अपना पोर्टफोलियो बनाएं, अपनी रील बनाएं और उसको कट करके लोगों फेसबुक पे पोस्ट करें या यूट्यूब पे पोस्ट करें और अपना अपने नाम को खुद मार्केट करें। तो देखा दोस्तों आपने, फिल्म निर्माण में सिनेमेटोग्राफी सीखकर आप अपना एक सुनहरा करियर बना सकते हैं। तो अब तक आपने देखा कि किस प्रकार एक सिनेमेटोग्राफर एक यादगार फिल्म को स्क्रिप्ट की मांग के अनुसार क्रिएटिवली शूट करता है। इसी के साथ पूर्ण होता है फिल्म प्रोडक्शन का क्रम। सबके लिए आवास यानी गरीब से गरीब व्यक्ति को सर्व सुविधा युक्त पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। वर्ष 2022 में देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ तक देश को झुग्गी मुक्त कर पक्के आवास बनाने का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना मध्य प्रदेश में तेजी से साकार हो रहा है। हमने एक सपना देखा है कि जब आजादी के 75 साल हो तब हिंदुस्तान के गरीब को भी अपना घर हो। प्रधानमंत्री आवास योजना सहित मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास मिशन और अंत्योदय आवास योजना सहित मध्य प्रदेश सरकार की अन्य आवास योजनाओं में अब तक लाखों मकान बनाकर गरीब हितग्राहियों को सौंपे जा चुके हैं। बड़ी संख्या में अभी भी मकानों का निर्माण कार्य जारी है। प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष 2017-18 में 6,33,000 आवास बनवाने का लक्ष्य है। इसके लिए राज्य सरकार अपने बजट से 3,500 करोड़ की राशि खर्च करेगी। अब प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रदेश के सभी 379 नगरीय निकाय को भी शामिल कर लिया गया है। योजना के पहले चरण में वर्ष 2018 तक नगरीय क्षेत्रों में 5 लाख और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 लाख आवास के निर्माण का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश के निवासी को रहने की जमीन का मालिक बनाया जाएगा, मकान बनाने के लिए पैसा भी दिया जाएगा, इस धरती पर जो रहेगा वो कोई बेघर नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में वर्ष 2016-17 में 2,70,815 हितग्राहियों का पंजीयन कर 1,91,974 हितग्राहियों को आवास की स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन में अब तक 6,69,685 आवास ऋण वितरित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना में भी 16,464 और इंदिरा आवास योजना में 97,109 हितग्राहियों को आवास उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर तथा निम्न आय वर्ग को आवास की गारंटी देने वाला कानून लागू करने वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है। सबके लिए आवास का सपना पूरा करती मध्य प्रदेश सरकार। आइए जानें क्या कहना है फिल्म इंडस्ट्री में कई वर्षों से कार्य कर रहे अनुभवी प्रोफेशनल्स का। वे किस प्रकार के हुनरमंद युवाओं की तलाश में रहते हैं जिन्हें वे अपनी फिल्म प्रोडक्शन टीम में शामिल कर उन्हें गाइड भी करते हैं। अगर हम सिनेमेटोग्राफी की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, तो हमें ऐसे सिनेमेटोग्राफर्स हमेशा ही चाहिए पड़ते हैं जो हमारे टीवी सीरियल्स के लिए काम कर सकें, क्रिएटिवली काम कर सकें। हमारे जो वीडियोस रहते हैं वो टेक्निकल वीडियोस रहते हैं मोस्टली, तो टेक्निकल वीडियोस को शूट करने का कॉन्सेप्ट और एंगल भी अलग रहता है। कई बार हम लोग वाइड एंगल शॉट्स पे काम करते हैं, क्लोजअप्स रहते हैं, एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट्स रहते हैं, और ये साथ ही साथ हमारे जो ये टेक्निकल वीडियोस रहते हैं उसमें हम उन लोगों के साथ काम करते हैं जो आर्टिस्ट नहीं हैं, फैकल्टीज हैं, या वो बच्चे हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उनको शूट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, उनके साथ काम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। तो उस समय एक ट्रेंड एक क्रिएटिव सिनेमेटोग्राफर को होना बहुत ज़रूरी है। हम अपने युवाओं को जो इस फिल्म इंडस्ट्री में काम करने आ रहे हैं,
जो अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको यही कहना चाहेंगे कि वो अपने एक स्पेसिफिक एरिया में एक्सपर्ट तो बने ही, इसके साथ साथ वो कुछ एरिया में मल्टी स्किल्ड भी रहें। अगर हम बात करें पोस्ट प्रोडक्शन की जैसे, तो उसमें एक आर्टिस्ट जो है वो एडिटिंग बहुत अच्छी जानता हो, वो एडिटर है, बट उसके साथ साथ उसको VFX का भी नॉलेज होना चाहिए और कुछ हद तक VFX का काम करना आना चाहिए, विजुअल इफेक्ट्स का, जिसमें क्रोमा, कलर करेक्शन, ये सारी चीज़ उनको आए। इसके साथ साथ मोशन ग्राफिक्स पे भी वो काम कर सकें, क्योंकि आज की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि एक जो प्रोड्यूसर रहता है वो केवल एडिटर ही नहीं रखना चाहता है, वो मोशन ग्राफिक्स के लिए एक और एडिटर या एक डिज़ाइनर आर्टिस्ट को नहीं रख सकता है, क्योंकि फिल्म के जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम रहे इसके लिए मल्टी स्किल्ड को लोगों को हम लोग एम्प्लॉय करना चाहते हैं, मार्केट की डिमांड भी यही है, और इसके साथ साथ क्वालिटी का काम भी हो। अगर वो एडिटर है तो एक अच्छी एडिटिंग भी करे, स्क्रिप्ट के अनुसार करे, क्रिएटिवली एडिट करे, बट उसके साथ साथ वो कुछ मोशन ग्राफिक्स भी बनाने की कैपेसिटी रखे, क्रिएटिव मोशन ग्राफिक्स बना सके। एक सिनेमेटोग्राफर को प्रोडक्शन का नॉलेज तो होता ही है, साथ साथ प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन का भी नॉलेज होना चाहिए, ताकि फिल्म जब एडिटिंग टेबल पर जाए तो एडिटर उसको क्रिएटिवली एडिट कर सके। सिनेमेटोग्राफी में बी रोल भी शूट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे शॉट को अपन क्रिएटिव बना सकते हैं और एक सीन को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से शूट करके अपन बहुत अच्छा बना सकते हैं। बी रोल को समझाने के लिए मैं आपको एक सीन समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आतंकवादियों ने कुछ लोगों को होस्टेज बना रखा है, तो उन लोगों की परेशानियाँ, आतंकवादियों के शॉट, डिफेंस वालों का मूवमेंट चल रहा है, हेलीकॉप्टर आ रहा है, हेलीकॉप्टर जा रहा है, तो ये सब सीन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए तो अपन डिफरेंट डिफरेंट शॉट का यूज़ करते हैं। एक सिनेमेटोग्राफर को क्रिएटिव होना चाहिए और कॉम्प्लेक्स सीन को शूट करने के लिए स्टोरी बोर्ड बनाकर काम करना चाहिए। जैसे कि हम देखें, फिल्म प्रोडक्शन में तीन महत्वपूर्ण भाग होते हैं, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। यहाँ हम बात कर रहे हैं पोस्ट प्रोडक्शन की। पोस्ट प्रोडक्शन में मुख्यतः कैमरामैन के वीडियो को शूट कर लेने के बाद के जो काम रहते हैं वो पोस्ट प्रोडक्शन में आते हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, VFX, स्पेशल इफेक्ट्स। तो इन सब को मिला करके हम मूवी को कंप्लीट करते हैं। नॉन लीनियर वीडियो एडिटिंग में हम जो भी वीडियो शूटिंग का डेटा है उसको कंप्यूटर में स्टोर कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, और कैप्चर करने के बाद फिर हम किसी सॉफ्टवेयर, किसी प्रोग्राम की सहायता से उसमें सिक्वेंसिंग करते हैं, उसकी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को जमाते हैं। अगर हम देखें तो मार्केट में वीडियो एडिटर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। जितने भी जो प्रोडक्शन हाउस हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, पब्लिकेशंस हैं, जो कि वेब पर या किसी भी तरह की मीडिया की स्ट्रीमिंग करते हैं, उन सब जगह पर इस प्रोफाइल की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। आइए हमारे आज के अगले स्किल डेवलपमेंट ट्रेड यानी फिल्मों में पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में जानें, और वो भी फ्रेडरिक बर्बॉन जी से ही। सबसे पहले हम जानेंगे कि यह पोस्ट प्रोडक्शन होता क्या है, इस कार्य क्षेत्र में क्या क्या सीखना आवश्यक है, और साथ ही जानेंगे कि किस प्रकार हमारे युवा एक सफल करियर इस क्षेत्र में भी बना सकते हैं। अब हम पोस्ट प्रोडक्शन में ये जानेंगे कि फिल्म कन्फर्मिंग और कलर करेक्शन क्या होता है। सो जब फिल्म कैमरा में कैद होती है तो उनके फाइल साइजेस बहुत बड़े होते हैं, और एडिटर उन बड़े फाइल साइजेस पे तो एडिट करता नहीं है, उसको लो रेजोल्यूशन पे एडिट करता है। लेकिन जब कलर करेक्शन का टाइम आता है तो वो लो रेजोल्यूशन वाली फाइल साइजेस वापस अपने बड़े रेजोल्यूशन पे चले जाती हैं। इस प्रोसेस को ऑनलाइन कहते हैं या फिल्म कन्फर्मिंग कहते हैं। अब हम ये जानेंगे पोस्ट प्रोडक्शन में कलर करेक्शन क्या होता है। कभी कभी सिनेमाटोग्राफर सेट पर बजट के कारण या कुछ इक्विपमेंट के कारण वो इमेज नहीं ला पाता है जो वो चाहता है, इसलिए वो कलर करेक्शन में आता है और इमेज को बदलता है ताकि और बेहतरीन बनाता है, या तो शेडोज़ में या हाइलाइट्स में। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पास ब्लैक मैजिक डिज़ाइन का रिजॉल्व है, जो एप्लीकेशन है जिसमें कलर करेक्शन होता है। इसमें कलरिस्ट के साथ फोटोग्राफर बैठकर चीज़ों को बदलता है, इमेज को और बेहतरीन बनाता है, जो कि वो सेट पे ना बना पाया है। इस प्रोसेस को कलर करेक्शन कहते हैं। कन्फर्म के बारे में जानेंगे तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरा एडिटिंग सॉफ्टवेयर है अडोबी प्रीमियर प्रो, और यहाँ पर एक टाइमलाइन है जो कि एक फिटनेस कमर्शियल है। मैं थोड़ा प्ले करूँगा तो आप देख सकते हैं। तो ये एक पूरा एक फिटनेस कमर्शियल है जिसमें टाइटल्स हैं, जैसे स्लिम डाउन हो गया, टोन अप हो गया, कुछ ग्रीन स्क्रीन शॉट है, कुछ VFX शॉट्स हैं, ये जैसे ग्रीन स्क्रीन शॉट आप देख रहे हैं।
सो ये सारी पूरी टाइमलाइन है। अब जब जब एडिट पे जब ये शॉट्स आते हैं ये अपने फुल रेजोल्यूशन पे नहीं हैं, इनका डेटा साइज़ कम है, इन शॉट्स को प्रॉक्सीज बोलते हैं, जो कि ये प्रॉक्सीज इसलिए आते हैं ताकि एडिटिंग सिस्टम पे बिना दिक्कत के एडिटर जो है वो अपना एडिट कर सके, सारा पूरा टाइमलाइन को एडिट कर सके, फिल्म हो, शॉर्ट फिल्म हो, म्यूज़िक वीडियो है या ये कमर्शियल है। अब जो आगे का काम है जो कि नेक्स्ट स्टेप होगा आफ्टर दी जो एडिट के बाद है वो है DI का या कलरिंग का। सो ये एक एडिटिंग एप्लीकेशन है, ये एक कलरिंग एप्लीकेशन नहीं है। तो हमें इस पूरे टाइमलाइन को एक कलरिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ले जाना है, कलरिंग एप्लीकेशन के अंदर ले जाना है। इसको टर्न ओवर बोलते हैं या टर्न अराउंड बोलते हैं। तो हम ये ऐसा करेंगे कि हम यहाँ से एक फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे जो कि हम एक कलर सॉफ्टवेयर में इम्पोर्ट कर पाएँ। तो उसके लिए हम जाएंगे फाइल एक्सपोर्ट AAF। ये AAF क्या होता है? AAF एक ऐसा फाइल है जो कि मेटा डेटा और अपने इन्फॉर्मेशन रखता है। बेसिकली ये फाइल के जो भी जो शॉट है उसका सारा कितना क्या उसके रेजोल्यूशन है, क्या उसका कलर इन्फॉर्मेशन है, कलर बिट डेप्थ है, वो सारा इन्फॉर्मेशन अपने पास रखता है। और ये भी रखता है इन्फॉर्मेशन कि किस जैसे टाइमलाइन के कौन से शॉट के बाद कौन सा शॉट आ रहा है, तो उसको एडिट की पूरी जानकारी है, कैसा ये एडिट हुआ है, कहाँ पर कौन सा टाइटल आ रहा है, क्या कौन सा ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये AAF के पास होती है। तो हम एक AAF एक्सपोर्ट करेंगे। हमारा ये टाइमलाइन है होम कमर्शियल और ये अब कंफर्म कि जो AAF है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। अब हम इस AAF को रिजॉल्व के एप्लीकेशन के अंदर लाएंगे जो कि हमारा कलरिंग सॉफ्टवेयर है। हमारा एडिटिंग से काम ख़त्म हो गया है, अब हम अपना कलरिंग सॉफ्टवेयर खोलेंगे। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अपने एक टाइमलाइन को जो जिस जहाँ पर आपने अपने पूरा फिल्म एडिट करी है उसको कलरिंग एप्लीकेशन में कैसे लाते हैं। ये बेसिकली एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाना है जो कि पोस्ट प्रोडक्शन का ही भाग है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भाग है कि एडिट से आप DI में कैसे जा रहे हैं। तो अब हम आप देख सकते हैं हमारी पिक्चर पूरी एडिट हो गई है, तैयार है, पिक्चर एडिट ख़त्म हो गया है, अब हम उसको कलरिंग में ले जा रहे हैं। अब हम डबल क्लिक करेंगे तो ये टाइमलाइन आ जाती है और इस टाइमलाइन से हम देख सकते हैं कि भाई एडिट पूरा का पूरा आ गया प्रीमियर से, जो भी एप्लीकेशन है। अब एक बार जब हम ये देख लेंगे कि एडिट है और एडिट आ गया है, अब हम तीसरे उस पर जाएंगे जो कि है टैब पे जो कि कलर, हम कलर को दबाएंगे तो आप देखेंगे हमें एक स्टोरी बोर्ड टाइप का टाइमलाइन दिख जाता है। तो उसको यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे शॉट्स आ गए हैं टाइमलाइन पर। अब यहाँ से हम अपना कलरिंग शुरू कर सकते हैं कि भाई अब यहाँ से कलरिस्ट आएगा, कलरिंग अपनी शुरू करेगा। हमने यहाँ से इमेज शुरू करी थी जिसमें कुछ कलर नहीं था, बहुत डल सी इमेज थी। हमने ये सिर्फ चंद एक या दो मिनट में कुछ नोट बनाकर हम वो इमेज यहाँ तक ले आए। अब यहाँ पर हम कुछ भी कर सकते हैं, हम एक पावर विंडो लगा सकते हैं या विंडो में जाएंगे हम विंडो लगा सकते हैं या सिर्फ इन्हीं को निखार सकते हैं, इनके चेहरे को। ऐसे ही कई एक्टर्स होते हैं या कुछ ब्यूटी वर्क होता है, हम ब्यूटी वर्क करते हैं हम, जैसे यहाँ पर उनमें लगा के हम उनको ट्रैक कर सकते हैं कि चेहरे को। और रिजॉल्व बहुत ही पावरफुल एप्लीकेशन है ट्रैकिंग और विंडोइंग में। अब हमारे पास सिर्फ इनका चेहरा सेलेक्टेड है तो हम इनके चेहरे को और निखार सकते हैं और ऊपर ला सकते हैं। तो अब आप ये देखिए कि हमारा जो हमने शुरू किया था हमारी कलरिंग, हमारा पहला इमेज कैसा था। ये हमारा पहला इमेज था जब हमारे पास कलरिंग के लिए आया और बस थोड़ी से कुछ ही चंद मिनटों में हमने कलरिंग करी जिसमें हमने कलर्स डाले, कॉन्ट्रास्ट लेवल डाला और इनके चेहरे को उठा दिया। सो बेसिकली ये इसको प्राइमरी ग्रेडिंग बोलती हैं और ऐसे ही करके पूरी की पूरी टाइमलाइन या पूरी फिल्म, कमर्शियल, म्यूजिक वीडियो कुछ भी हो उसको पूरा ग्रेड करते हैं। ये सब हम सीखकर एक अच्छा करियर कैसे बना सकते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि आप शूट करते रहें, आपको या फिर जो भी आपको कलर करेक्शन अच्छा लगता है, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे पास मेरा कलर करेक्शन का सेटअप है, अगर आपको ये अच्छा लगता है या आपको फिल्म शूटिंग अच्छी लगती है तो आप करते रहो। आप भले पहले आप जब कैमरा उठाओगे तो शायद अच्छी काम नहीं कर पाओगे लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप कंसिस्टेंट रहे और आप करते रहे तो आपके पास एक्सपीरियंस इतना आ जाएगा कि आप जाके फिर अच्छा काम करने लगोगे। और प्रोएक्टिव लो, लोगों से जाके मिलो, म्यूजियम्स जाओ, दूसरा आर्ट फॉर्म देखो, पिक्चरें देखो, थोड़ा इन चीज़ों से क्या होगा, आप अपने आप को एजुकेट करते रहोगे। और
लास्टली जो कि मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टेक्नोलॉजी के बारे में आप जानते रहो कि क्या नया कैमरा आ रहा है, क्या नया कैमरे में क्या नया सेंसर आ रहा है, ताकि आप इससे होगा क्या कि इंडस्ट्री के जो स्टैंडर्ड है उससे आप हमेशा लेवल पे रहोगे कि भाई वो लोग क्या यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में मुझे मालूम है। तो लेकिन सबसे बड़ा मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आप शूट करते रहो। अगर आपको फिल्म मेकर बनना है, सिनेमाटोग्राफर बनना है, तो आप कैमरा उठाओ, अपना आईफोन उठाओ, कुछ भी उठाओ और कीप शूटिंग। अगर आपको कलर्स बनना है तो रिजॉल्व है, रिजॉल्व फ्री एप्लीकेशन है, आप जाओ कलरिंग करो रिजॉल्व पर एंड कीप डूइंग इट। दैट्स वो मेरा सबसे बड़ा रिकमेंडेशन होगा। तो देखा दोस्तों आपने कितना रोमांचक है ये पोस्ट प्रोडक्शन का क्षेत्र। आप भी इसी तरह कैमरे के पीछे रहते हुए भी फिल्मों में शोहरत और पैसा दोनों ही कमा सकते हैं। तो यह थी सुनहरे पर्दे के पीछे की मेहनत और उसमें उपलब्ध आपके उज्जवल भविष्य की संभावनाएं। तो आज हमने स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत जाना सिनेमेटोग्राफी और फिल्मों में पोस्ट प्रोडक्शन के हुनर के बारे में। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें अपने सुझाव जरूर लिखिएगा। हमारा पता है क्रिस मानस भवन के सामने, श्यामला हिल्स, भोपाल, पिन कोड 462002। हमारा ईमेल आईडी है crisp@crispindia.com। वेबसाइट है www.crispindia.com। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नई दिशाएं के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय की जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।